चल भैया माइक तो पीछे हो जा रहा था, आगे ऑडियो कर रहा हाँ सर रेडी सर। जम्मू कश्मीर स्टेट में ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए कल रात जो 15-16 की इंटरनल नाइट थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू ने एक बड़ा सीजर करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें हमने तकरीबन 35 किलो चरस बरामद की है और साथ ही दो एक्यूज को अरेस्ट किया है। दोनों एक्यूज साउथ कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये चरस जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से नासिक जाने वाले थे। इस साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू ने चरस के 8 बड़े सीजर किए हैं, जिसमें तकरीबन 115 किलो चरस हमने जब्त किए इस साल और साथ ही में तकरीबन 17 एक्यूज को हमने अरेस्ट किया है, जिनके खिलाफ कुछ केसेज में चार्जशीट फाइल कर दी गई है, कुछ केसेज में इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अलावा पोपिस्ट्रा का एक केस हमने किया है, जिसमें 200 केजी पोपिस्ट्रा हमने जब्त किए और कुछ केस हमने मेडिसिन ड्रग्स के किए, जिसका कंजप्शन विशेषकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट, राजौरी डिस्ट्रिक्ट और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर की जो समर कैपिटल है श्रीनगर, उसमें भी काफ़ी मेडिसिनल ड्रग्स का कंजप्शन स्पेशली यूथ के द्वारा किया जाता है। तो हमारी ये जो मुहिम है ड्रग तस्कर के खिलाफ, ये आगे भी जारी रहेगी और बाकी जो स्टेट की एजेंसीज हैं, जो ड्रग एनफोर्समेंट में लगी हुई हैं, उनके साथ बहुत अच्छा समन्वय है, मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि जो नशे की समस्या है खासतौर पर जम्मू कश्मीर स्टेट में, उसमें कमी लाने में, उसको जड़ से साफ करने में हमको सफलता मिलेगी। सर लगता है इसका कोई टेरर एंगल भी है, ये पैसा जो है टेररिज्म के लिए कश्मीर में इस्तेमाल होता है? जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। जिस तरह ह्यूज क्वांटिटी में सीजर हुए हैं, अभी पिछले महीने 25 तारीख को हमने तकरीबन 30 केजी चरस का सीजर किया और ये 35 केजी का सीजर है, इतनी क्वांटिटी में सीजर पिछले 3.5 साल में मेरे नोटिस में आए नहीं है, तो इस चीज़ से हम रूल आउट कर नहीं सकते हैं कि ये जो पैसा इससे अर्न किया जा रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग से, इसका टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मेरे पास एविडेंस नहीं है, बाकी केसेज में हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इस एंगल से ज़रूर हम अपनी जांच को जारी रखेंगे। जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन अफसर्स हैं उनको इस बारे में भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस एंगल को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ध्यान में रखें। किस तरह की कैविटीज बनाई गई थी गाड़ी में, कैसे इसको छुपाया गया? ये जो चरस बरामद की है, इसमें बेसिकली चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी थी और जो ड्रग ट्रैफिकर्स की मोडस ऑपरेंडी है, वो हर बार गाड़ी चेंज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य की गाड़ी ना हो, इसका नंबर जम्मू कश्मीर का ना हो, ताकि बाहर जब वो निकल जाते हैं स्टेट से बाहर, तो उनको चेकिंग वगैरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसमें जो हमने ड्रग बरामद की है, उसमें जो आपकी गाड़ी की रियर सीट है, उसमें स्पेसिफिकली वेल्डिंग का काम कराने के बाद एक कैविटी बनाई गई है, जिसमें 30 पैकेट रखे हुए थे, जिसमें तकरीबन 30 किलो चरस बरामद हुई और जो गाड़ी की बूट है, डिक्की इसको हम बोलते हैं, उसमें भी 6 पैकेट हमको मिले, इसका वजन तकरीबन 5.5 किलो था। तो टोटल जो हमने सीज किया है वो तकरीबन 35 किलो चरस के बरामदगी हमने इस गाड़ी से की है। हाँ जी बरामद की गई और कहाँ से गाड़ी जी? ये गाड़ी कल सुबह चली थी अनंतनाग से और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये निकले थे नासिक के लिए। नासिक के लिए निकले तो परामंडल में जो हाईवे पे टच करते हैं वहाँ पे हमने नाका लगाया हुआ था, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट थे हमारे पास गाड़ी के बारे में और जो ट्रैफिकर्स में चल रहे हैं उनके बारे में, जैसे ही हमारे पास हुआ है हमने इनको टच किया और चेक किया तो गाड़ी में चल रही है, उसके बाद गाड़ी का जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस तरह ह्यूज क्वान्टिटी में चरस की बरामदगी हो रही है, तो उससे इस चीज़ से हम रूल आउट कर नहीं सकते हैं कि इसका पैसा टेरर फंडिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस एंगल में अभी हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जो भी चीज़ के विवेचना अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनको इस बारे में दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि इस एंगल को भी ध्यान में। इस साल के दौरान, साल 2017 के दौरान हमने तकरीबन 8 केस किए हैं चरस के, जिसमें कुल 115 की चरस हमने बरामद की है। All right.
कैविटी बनाते हैं जो हमने 25 अक्टूबर को सीज किया था, उसमें गाड़ी के हेडलाइट में एक ड्रग छुपाई गई थी। इस केस में जो आपकी रियर सीट है गाड़ी की, उसमें स्पेसिफिकली वेल्डिंग का काम कराकर, मैकेनिक से काम कराकर स्पेसिफिकली कैविटी बनाई गई है इस ड्रग को कंट्रोल करने के लिए। इस तरह से रियर सीट के नीचे छुपाई गई थी और बाकी छह तरह से गाड़ी का